हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं मनोज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने प्यारे चैनल इंटीरियर ज्ञान में। दोस्तों, आज की इस प्यारी सी वीडियो में हम लोग एक बहुत ही प्यारा सा एक किचन का डिज़ाइन देखेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने किचन को बना करके रेडी कर लिया हुआ है। अभी सबसे पहले इसका एक लुक दिखाते हैं आपको किस तरीके से ये बना हुआ है। ये रहा दोस्तों हमारा मेन प्लेटफार्म, और ये रहा ऊपर का कैबिनेट, और इस साइड में भी दोस्तों देख सकते हैं ये रहा हमारा सर्विस प्लेटफार्म। इसके ऊपर भी दोस्तों हम लोगों ने बॉक्स वगैरह वॉल कैबिनेट बनाया हुआ है। तो अगर इस किचन की साइज़ के बारे में अगर बात करें तो इसकी जो चौड़ाई है 7 फीट है, और इसकी जो लंबाई है दोस्तों हमारी 11 फीट है। और इस साइड में हमारा मेन प्लेटफार्म है, इधर में दोस्तों हमारा फ्रिज आने वाला है, और ये रहा हमारा सर्विस प्लेटफार्म, इस साइड में हमारा वॉशिंग मशीन आने वाला है। तो चलिए फिर दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और आपको डिटेल में दिखाते हैं किस तरीके से हम लोगों ने बनाया हुआ है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो सबसे पहले दोस्तों जो हमारा मेन प्लेटफार्म है इसको देख लेते हैं, इसमें क्या क्या हम लोगों ने बनाया हुआ है। यहाँ पे टोटल 6 बास्केट हम लोगों ने दिया हुआ है, उसके बाद 2 डोर है, इसके बाद हमारा सिंक के नीचे भी 2 डोर है। तो सबसे पहले अभी हम लोग जो हमारी ये लाइन में 3 बास्केट इसको ओपन करके आपको दिखाते हैं। ये सबसे ऊपर वाली हमारी 4 इंच की ये प्लेन बास्केट है, और ये दोस्तों जो हमारी बास्केट है ये निकालने वाली बास्केट है, इसको आप निकाल करके इसको क्लीन कर सकते हैं। और इसके बाद हमारी ये 6 इंच का ये प्लेन बास्केट है, इसमें आप अपने डब्बे वगैरह मसाले वगैरह सब रख सकते हैं। और सबसे नीचे ये हमारी 8 इंच की ये बास्केट है और प्लेन बास्केट है, इसमें आप अपने बड़े डब्बे रख सकते हैं। और यहाँ पर इसमें दोस्तों हम लोगों ने सॉफ्ट क्लोज चैनल का प्रयोग किया हुआ है, और इसमें हैंडल के रूप में प्रोफाइल हैंडल हम लोगों ने लगाया हुआ है। और यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने कटलरी बास्केट का यूज़ किया हुआ है जिसकी हाइट 4 इंच है, आप इसमें अपने चम्मच वगैरह आसानी के साथ रख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे हमारा छोटा प्लेट आता है जो हमारी तस्तरियाँ वगैरह होती है, उसके बाद आप इसमें कप वगैरह रख सकते हैं। ये हमारी कप एंड सासर बास्केट है जो कि 6 इंच हाइट में है। और सबसे नीचे दोस्तों हमारी ये प्लेट वाली बास्केट है, इस साइड में आप दोस्तों आप अपनी बड़ी प्लेट को रख सकते हैं, इसके बाद आप इसमें छोटी प्लेट भी रख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे 2 पल्ले का दोस्तों हम लोगों ने डोर बनाया हुआ है, और इसके बीच में एक सेल्फ दिया हुआ है। हमारा सिंक के नीचे का एरिया, इसमें दोस्तों हम लोगों ने 2 डोर दिया हुआ है, और इसके अंदर हमारा डस्टबिन वगैरह आ जाएगा। अभी हम लोग दोस्तों ये जो हमारा सर्विस प्लेटफार्म है इसकी तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने 2 डोर का यहाँ पे बनाया हुआ है, इसके बाद 3 बास्केट है, और इसके बाद यहाँ पे भी 2 डोर दिया हुआ है। इसको ओपन करते हैं, यहाँ पे इसके अंदर दोस्तों हम लोगों ने एक सेल्फ दिया हुआ है, और यहाँ पे डोर भी दोस्तों हम लोगों ने सॉफ्ट क्लोज हिंजेस का प्रयोग किया हुआ है। इसमें भी दोस्तों आप देख सकते हैं एक सेल्फ दिया हुआ है, इसमें आप अपने बड़े डब्बे वगैरह इजीली रख सकते हैं। और ये रही दोस्तों हमारी बास्केट, 4 इंच की ये प्लेन बास्केट है। और इसके बाद हमारी ये 7 इंच की दोस्तों ये एक प्लेन बास्केट है, और नीचे की साइड में भी हम लोगों ने एक 7 इंच का प्लेन बास्केट दिया हुआ है। और यहाँ पे 2 पल्ले का यहाँ पे हम लोगों ने बनाया हुआ है, बीच में एक सेल्फ है। कुछ इस तरीके से हमारा जो मेन और सर्विस प्लेटफार्म था वो कंप्लीट हो चुका है। अभी हम लोग इस साइड में जो हमारा मेन प्लेटफार्म के ऊपर हम लोगों ने बनाया हुआ है वॉल कैबिनेट, उसकी तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जो हमारा 2 पल्ले का यहाँ पर हम लोगों ने डोर बनाया हुआ है, इसको आपको ओपन करके दिखाते हैं। इसके अंदर हम लोगों ने ग्लास का सेल्फ दिया हुआ है जो कि हमारा 8 mm का एक ग्लास है, और इसमें एक सेल्फ दिया हुआ है। और इस किचन में दोस्तों हम लोगों ने ज़्यादा हैंडल का प्रयोग नहीं किया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर की साइड में हम लोगों ने कोई भी हैंडल नहीं लगाया है, और नीचे की साइड में भी हम लोगों ने प्रोफाइल हैंडल का यूज़ किया हुआ है। एक तरीके से दोस्तों आप इसको हैंडल लेस किचन बोल सकते हो। इसके बाद दोस्तों ये रहा हमारा चिमनी के ऊपर का बॉक्स, इसमें दोस्तों हम लोगों ने लिफ्टअप लगाया हुआ है। और यहाँ पे भी दोस्तों हम लोगों ने 2 डोर का एक बॉक्स बनाया हुआ है, और इसमें एक सेल्फ लगाया हुआ है।
इसके बाद दोस्तों हमारा ये दो पल्ले का लास्ट में बॉक्स है और इसमें दोस्तों हमारा अक्वा गार्ड वगैरह आने वाला है। और ऊपर की साइड में दोस्तों देख सकते हैं टोटल हम लोगों ने चार पल्ला दिया हुआ है, लास्ट में एक पल्ला है। और सारे पल्ले दोस्तों ये हमारे इसमें हम लोगों ने लिफ्टअप का यूज़ किया हुआ है, ऊपर की साइड में खोलेंगे। अभी दोस्तों इसको हम लोग खोल करके आपको दिखाते हैं। कुछ इस टाइप से दोस्तों हम लोगों ने ऊपर की साइड में बनाया हुआ है। ऐसा ही दोस्तों हमारा ये चारों पल्लों में हम लोगों ने गैस स्प्रिंग का यूज किया हुआ है और इसमें दोस्तों हम लोगों ने 15 केजी का गैस स्प्रिंग लगाया हुआ है। ऐसा दोस्तों हमारा वहाँ पर भी है। दोस्तों हम लोग इस साइड में आते हैं, जो हमारा सर्विस प्लेटफार्म है उसको आपको दिखाते हैं इसमें क्या क्या हम लोगों ने बनाया हुआ है। तो सबसे पहले दोस्तों इस साइड से चलते हैं। तो यहाँ पे ऊपर की साइड में एक हम लोगों ने बॉक्स बनाया हुआ है, इसमें एक सिंगल डोर है जो कि ऊपर की तरफ खुलने वाला है। इसके नीचे ये जो एरिया है इसमें हम लोग माइक्रोवेव के लिए रखा हुआ है, इसमें हमारा माइक्रोवेव ओवन आने वाला है। इसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने टोटल 6 डोर दिया हुआ है, सेम डिस्टेंस पे दोस्तों हमारा सेम साइज़ का ये 6 डोर है। और यहाँ पे 2 को हम लोगों ने प्लेन रखा हुआ है और इधर साइड में प्लेन, बीच में हम लोगों ने ग्लास का डोर बनाया हुआ है। इसमें आप अपने अच्छे सामान वगैरह, अच्छे ग्लास वगैरह कुछ भी डेकोरेटिव जो हमारा किचन से रिलेटेड होता है उसको रख सकते हैं इसमें। अभी इसको ओपन करके दिखाते हैं आपको। इसके अंदर एक सेल्फ दिया हुआ है हम लोगों ने और ये रहा दोस्तों हमारा ग्लास वाला डोर। इसमें दोस्तों हम लोगों ने 2 सेल्फ लगाया हुआ है और यहाँ पे भी एक सेल्फ दिया हुआ है इसके अंदर। दोस्तों ये जो हमारा ऊपर की साइड में हम लोगों ने बॉक्स बनाया है इसमें टोटल 4 डोर दोस्तों हम लोगों ने दिया हुआ है और ये सारे जो दोस्तों हमारे दरवाजे हैं ऊपर की साइड में खुलेंगे। तो अभी दोस्तों इसको हम लोग ओपन करके देखते हैं कैसा लग रहा है। दोस्तों देख सकते हैं इसमें भी हम लोगों ने लिफ्टअप का यूज़ किया हुआ है। कुछ इस तरीके से हमारा ये डोर ओपन होने के बाद इसमें आप अपने सामान वगैरह रख सकते हैं। दोस्तों देख सकते हैं। दोस्तों अगर ये हमारा किचन का वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आप इस किचन से रिगार्डिंग कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तो चलिए फिर दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।